Tractor India Limited is registered with authorized capital rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each. The company issued 50,000 equity share at a premium of rupees 5 per share. 2 rupees per share are payable with application rupees 8 per share including premium on allotment and the balance amount on first and final call. The issue was fully subscribed and all the amount due was received, except the first and final call money on 500 share allotted to Balaram. Present the share capital in the balance sheet on Tractor India Limited as per Schedule 3rd, Part 1 of the Company Act 2013, also prepared notes for accounts. नोट टू अकाउंट्स फॉर द सेम. अब देखो कंपनी कहती क्या है कि कंपनी के पास कितनी शेयर था. उसके लिए पहले देखते क्या है बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट. हमने फॉर्मेट बना दिया नोट बैलेंस शीट का एंड नोट टू अकाउंट. अब हमको इसमें फिलअप करना है. बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा किस कंपनी का है. कंपनी कौन सा है बैलेंस शीट ऑफ कौन सी कंपनी है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड. ओके और डेट क्या है कोई भी 31st मार्च. अगर ईयर दिया हो तो ईयर दिखेगा अदरवाइज जो भी एज्यूमिंग डेट. ओके अब कंपनी कह रही है कि कंपनी के पास टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर है जो कितने रुपीस का 10 रुपीस ईच का है टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख और जो 10 रुपीस ईच का है तो ऑथराइज कैपिटल यानी कंपनी उतने का शेयर इशू कर सकती है. तो पहले हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल के हेड में पहला क्या आता है ऑथराइज कैपिटल. यानी यहाँ पे क्या हुआ 1 लाख इक्विटी शेयर शेयर्स ठीक है ऑफ रुपीज 10 ईच ठीक है. तो 1 लाख इंटू 10 क्या तो कितना आ गया यहाँ पे 10 लाख. यानी कंपनी इतने के लिए ऑथराइज है कि कंपनी इतना शेयर क्या कर सकती है इशू कर सकती है. लेकिन कंपनी ने इशूड कितना किया है इशूड कितना किया है कंपनी क्वेश्चन के हिसाब से हम 50,000 शेयर को यानी इशूड कैपिटल कितना हो गई 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. यानी 50,000 शेयर कंपनी ने इशू कर रही है यानी टोटल कितने का 5 लाख. ओके ये तो इशू कैपिटल हो गई. अब कंपनी कह रही है कि 1 शेयर होल्डर जो बलराम है उन्होंने पैसा पेमेंट नहीं किया. किसका नहीं पेमेंट किया कॉल का और उसके पास उसने होल्ड कितना शेयर किया हुआ था 500 और फुली सब्सक्राइब्ड है. यानी कंपनी ने 50 शेयर के लिए किया था जिसमें 500 शेयर वालों ने पैसा पेमेंट नहीं किया तो रिमेनिंग कितने ने किया हुआ है 49,500 ने. अब 49,500 जब शेयर के अमाउंट पेमेंट की हुई है तो अब यहाँ पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितना आएगा 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. ओके कंपनी के पास 49,500 इक्विटी शेयर के हिसाब से आया कंपनी के पास 4,95,000. ओके अब देखिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया था यानी उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे 500 ठीक है. अब 500 शेयर पे तो 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 कंपनी को मिलना कितना चाहिए था इसमें 5,000. अब उसने क्या नहीं दिया फाइनल कॉल. अब फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं दी हुई कि फाइनल कॉल की अमाउंट कैसे निकालते हैं एक रफली हम कैलकुलेट करते हैं. कंपनी का एक शेयर था 10 रुपए का 5 रुपए प्रीमियम यानी कंपनी का पूरा कितने का हो गया 15 रुपीज.
कंपनी ने 15 रुपीज में 2 रुपीज एप्लीकेशन, 8 रुपीज अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है यहाँ पे 5 रुपीज। ओके, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का हो गया, वो 5 रुपीज का, जिसने उसने पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितने रुपए से पेमेंट नहीं की, उसने 5 रुपीज से। ओके, एनी डाउट? अब देखो यहां पे, अब यहां पे क्या आ गए 500 का, तो लेस कॉलिंग एरियस करते हैं, लेस कॉलिंग एरियस, लेस कॉल इन एरियस कितने शेयर पे 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500। ओके, अब 2500 के हिसाब से यहां पे कितने अमाउंट इसको रिसीव हुई है 2500। ओके, अब यहां पे ये तो अमाउंट आए, अब इसके बाद टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गए 497500। ओके, एंड ऑफ 497500। अदर किसी ने, डायरेक्टर ने, कुछ नहीं है, बाई अदर्स कुछ नहीं, कॉर्पोरेट शेयर कुछ नहीं। अब तो अमाउंट रिसीव जो आएगी इसमें टोटल कितना आएगा 497500। ये क्या हो गई, ये जो टोटल अमाउंट हो रही कहाँ ट्रांसफर होगी, बैलेंस शीट में, किस हेड में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में, नंबर वन में। यहाँ पर क्या कितना 497500, ये तो बैलेंस शीट में आ गए। अब इन्होंने कहा कि और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का, अगर इनके अगर ऐसा कुछ नहीं करता तो रिजर्व का सरप्लस भी देखा जाए। तो अब जो दूसरी जो इसमें आती है वो क्या जाएगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व सरप्लस में क्या अमाउंट आ सकती है, जितना कंपनी ने शेयर पे प्रीमियम लिए हुई है, प्रीमियम कितने पे है, यानी 50,000 शेयर है, प्रीमियम कितने का है कंपनी में मांग रही है 5 रुपीज का, तो 50,000 इंटू 5 के हिसाब से कितना आ जाएगा, वो 2,50,000। यानी यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस के रेट में आ जाएगा वो कितना आएगा 2,50,000। 2,50,000 कैसे आया, 2,50,000 कैसे आई, जो कंपनी ने शेयर प्रीमियम मांगी थी, प्रीमियम कितने रुपीज का था 5 रुपीज का, यानी प्रीमियम के अमाउंट में कितने आ गई, जो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगी सिक्योरिटीज में रिजर्व करके, वो कितने का आएगा 2,50,000। ठीक, 50,000 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2,50,000। ये रहा आपके क्वेश्चन का। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन एग्जांपल के साथ हम लोग बात करेंगे कि कंपनी को कैसे यूज करते हैं, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है और कैसे कैसे उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। ओके,